यूपी पुलिस की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, लेकिन आज एक ऐसे दरोगा की वीडियो वायरल हो रही है जिसने सबका दिल जीत लिया। पूरा पुलिस महकमा हैरान है दरोगा के इस काम से, और हो भी भला क्यों ना, क्योंकि दरोगा साहब ने किया ही है ऐसा काम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या पुलिस विभाग में एक ऐसे सब इंस्पेक्टर की जो आजकल चर्चाओं में है, जो अपनी ड्यूटी के बाद मिले समय को जन सेवा के कार्य में लगाते हैं। इस समय दरोगा रणजीत यादव अयोध्या के DIG कार्यालय में तैनात हैं और रक्तदान, पौधरोपण, पशु पक्षियों की सेवा के साथ ही अब इन्होंने भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को निशुल्क पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है। दरोगा के बच्चों को पढ़ाते ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से दरोगा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साल में कहाँ पे? राम मंदिर पे, हनुमानगढ़ी पे। अच्छा, यहाँ पढ़ाई शुरू कर दे तो अच्छा रहेगा। पढ़ने आओगे रोज? चलो शाबाश, हाथ मिलाओ, ताली बजाओ के लिए। अब ये लोग पढ़ने आएंगे, ठीक है? अब तुम ये वाला काम छोड़ देना, अगर तुम्हें बैग दे दे स्कूल तो ठीक रहेगा। स्कूली बैग, कॉपी कलम दे तो पढ़ने आओगे रोज। वही दरोगा रणजीत यादव का कहना है कि अयोध्या के इन बच्चों को देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ गया, जब वो बेहद गरीबी के दौर में लोगों से किताबें मांगकर अपनी पढ़ाई करते थे, और आज इसीलिए उन्होंने इन बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का संकल्प लिया। मेरी कोतवाली अयोध्या में ड्यूटी थी, तो मैं देखता था घाटों पर जो हाँ बच्चे भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। कई बार उनसे पूछने का प्रयास किया कि कहाँ आप लोग रहते हैं, क्यों करते हैं इस तरह से, तो बताया नहीं। लेकिन जब काफी प्रयास किया तो लोगों ने बताया कि ये लोग जयसिंहपुर वार्ड है, वहाँ पे खजलापुर के पास ये लोग रहते हैं। तो वहाँ मैं मोटरसाइकिल अपने गया एक शाम को, उनके गार्जियंस को बुला करके उनसे बातचीत किया कि आप लोग इस तरह से जो बच्चों को भिक्षावृत्ति करवा रहे हैं, खुद कर रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि क्यों नहीं सर, हम लोग क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हम जरूर पढ़ाना चाहते हैं। हमने कहा कि हम अगर आपको कल से पढ़ाना शुरू करें तो कैसे लगेगा? तो लोग साहब तैयार हुए, फिर दूसरे दिन में कापी कलम पेंसिल रबर कटर बिछाने के लिए दीवार इत्यादि ब्लैक बोर्ड लेकर के वहाँ पर पहुँचा, और बच्चों के लिए ये अपना स्कूल की शुरुआत किया कि ये बच्चे जो इस अंधेरी दुनिया में है, भिक्षावृत्ति की दुनिया में है, इस खाई से इनको निकालने के लिए मेरी ड्यूटी रहती है, व्यस्त समय रहता है। लेकिन इसकी मैं सुबह सुबह सवेरे पहुंच जाता हूँ उनको बीच में, 6 बजे से लेकर कभी 7 बजे, तो मेरी ड्यूटी टाइमिंग 10 बजे ऑफिस में है, तो उसके पूर्व ही मैं उनको पढ़ा करके वापस चला जाता हूँ। अपनी ड्यूटी को वरीयता देते हुए जो भी कुछ काम करता हूँ, सामाजिक कार्य, रक्तदान करना, पौधारोपण करना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, और स्कूलों कॉलेजों में जाकर के लोगों को जागरूक करना शिक्षा के प्रति, सुरक्षा के प्रति, तमाम इस तरह से मैं कहानियाँ लिखता हूँ। मेरी कहानियाँ आकाशवाणी फैजाबाद और लखनऊ से कई बार प्रसारित हो चुकी हैं, और यूट्यूब चैनल भी मैंने बना रखा है रणजीत सुपर कप नाम से, उस पर मैं अपना मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, और रणजीत सुपर कप नाम से फेसबुक मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तारतम्य मिला के चलता हूँ। मेरे उच्च अधिकारियों का भी बहुत सहयोग रहता है, और यूपी पुलिस की वेबसाइट पर DGP सर के द्वारा भी कई बार मेरे कार्यों की सराहना वहाँ पर फोटो लगा कर दी गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दरोगा साहब बच्चों को पढ़ने की सारी सामग्री अपनी जेब से खरीद कर देते हैं, साथ ही उनके परिवार वालों को भी जागरूक करते हैं कि शिक्षा से ही इनकी गरीबी दूर हो सकती है। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।